हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे हो गए। तो भाई मैं उठ गया हूँ अभी, और उठते ही मैं पीता हूँ थोड़ा सा पानी। पानी पी लिया मैंने। पानी पीने के बाद अब मैं आऊँगा फ्रेश। फ्रेश होने के बाद 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मैं करूँगा योगा। तो चलो, अभी बॉडी पता क्या बोल रही है कि मत कर योगा, मत कर भाई। लेकिन मेरे को करनी है योगा, क्योंकि जिस चीज़ को बॉडी अलाउ नहीं करती ना, मैं वही चीज़ करता हूँ। अब मेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है बॉडी, क्योंकि बॉडी टूटी पड़ी है। कल आसन करके ना कुछ बुरा हाल हो जाता है। शरीर खुलना भी ज़रूरी है यार, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना खुले उतना बेटर है। तो अब बस पानी पी लिया मैंने, अब जाऊँगा फ्रेश होने के लिए। उसके 20 से 25 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद मैं योगासन स्टार्ट कर दूँगा। अभी बने रहना मेरे साथ, हो सकता है आज कुछ इम्प्रूवमेंट हो। काफ़ी दिन हो गए करते हुए, आज थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो चलो, बस मुझे अच्छा लगता है यार योगा करना, इसलिए मैं कर रहा हूँ अभी योगा। मैं फ्रेश वगैरह हो गया हूँ और अब बस योगा करने के लिए जाऊंगा विद इन 10 मिनट्स। और योगा का आसन आपको पता ही, अंदर करता हूँ मैं। मतलब वैसे तो कहते हैं कि खुली हवा में करना चाहिए, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए एक औरा भी अच्छा लगना चाहिए ना, तो मैं अंदर कर लेता हूँ थोड़ा। तो वीडियो भी अच्छी बन जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है। वैसे अदरवाइज़ तो मैं प्रॉपर यहाँ पर भी कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर वीडियो नहीं बनती। वीडियो बननी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पल पल की खबर जैसे होती है ना व्लॉग में, दी तो जा नहीं सकती क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं जैसे जैसे भी होता है, जो जो चीज़ें होती है वो मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। अभी मेरे को हो चुका है, वीडियो बनाए हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसके बाद अब बना रहा हूँ मैं वीडियो की। मैं फ्रेश हो गया हूँ और अब 10 से 15 मिनट में मैं जाके योगा कर लूँगा, अपना योगा आसन स्टार्ट करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मैं योगा सीख पाऊँ ना, मेरे लिए बहुत बेटर है। अगर आप भी कभी ट्राई करो घर पे, तो ज़रूर ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा। मैं आपको पहले भी ये बोल चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है योगा करने का, लेकिन जो मुझे बेनिफिट दिख रहे हैं ना, उससे अपने आप दिमाग बोल रहा है कि नहीं साहिब, तू कर ये, अगर तू करेगा तो बेटर है। तो अपने लिए बेस्ट है यार योगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी घर पे करता हूँ। इन फ्यूचर अगर अच्छा रहेगा तो बाहर जाके भी बढ़िया से करेंगे योगा, ठीक है? तो चलो, बने रहना मेरे साथ। आज थोड़ा सा हम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे अपने आप को। अभी तक तो बेसिक लेवल कर रहा था मैं, ताकि बॉडी खुले। आज थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल जाएगा, बढ़िया से करते हैं, ठीक है? तो चलो चलते हैं योगा करने के लिए। अब मैं आपको सीधा योगा मैट पे मिलूंगा, ठीक है? और जो मैं करता हूँ ना, मैं उसमें क्या कहते हैं, टाइम लैप्स लगा देता हूँ अपने योगा में। एक एक आसन आपको प्रॉपर दिखाने के लिए ना, जो प्रॉपर आपको दिखाऊंगा मैं आसन, वो तभी दिखा पाऊंगा जब मैं खुद उस चीज़ में परफेक्ट हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको स्लो करके बता नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। इसलिए आपको टाइम लैप्स लगा के आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ कि भाई आज योगा ये वाला सेशन किया था मैंने। तो अब मैं आ गया हूँ योगा करने के लिए। टाइम जैसे था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइम के अकॉर्डिंग मैं पहुँच गया हूँ। वो लगा हुआ है मेरा मैट, अब वहाँ पे करूँगा मैं योगा आसन स्टार्ट। तो देखते रहना आप भी। आज कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छे से खिंच जाए, लंबा हो जाए। योगा हो गया कंप्लीट। स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल बिगिनर वाली की थी, जो मैं करता हूँ सिर्फ वार्म अप के लिए। और उसके बाद थोड़ी इंटरमीडिएट की, बढ़िया लगा आज करके। और लास्ट में मैंने हेड स्टैंड किया था, जो कि मुझसे पहले नहीं होता था काफ़ी देर। आज मैंने काफ़ी देर तक किया हेड स्टैंड, तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको भी ये बोलना चाहूँगा, जो जो नहीं करते ना योगा, जिनके बॉडी में पेन रहता है या कहीं भी बॉडी में पेन रहता है, तो वो योगा ज़रूर ट्राई करें यार। योगा से ही होगा, योगा के बिना कुछ नहीं है। तो और दूसरी बात है यार, हमारा ये इतिहास है, हमारा प्राचीन योगा ही है, मेन योगा ही था। तो चलो, आज का हो गया अपना सेशन कंप्लीट, और अब मैं जाता हूँ। अब नहा धो के जो भी घर के काम करने हैं वो करेंगे। और आज साइकिलिंग के लिए मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज अपने को करनी है रनिंग। आज रनिंग करेंगे, पहले हल्की वॉक करेंगे, उसके बाद रनिंग करेंगे, उसके बाद रात को व्लॉग को समाप्त करते हैं। तो चलो, मिलते हैं अभी नहा धोने के बाद आपको।
और मेरी डाइट आजकल कुछ मैं रहती नहीं है अन, मतलब आटा छोड़ा हुआ मैंने, आटा नहीं खा रहा हूँ बिल्कुल भी, दलिया हो गया या ओट्स हो गए हैं ये वगैरह मैं खा रहा हूँ। ठीक है तो चलो चलते हैं। तो चलो भाई मैं हो गया नहा धो के रेडी, अभी मेरे को जाना है मार्केट, उसके बाद मेरे को एडिटिंग कंप्लीट करनी है ताकि आप भी वीडियो देख पाओ, और उसके बाद मैं जाऊंगा रनिंग करने के लिए। बट मार्केट से आने के बाद मैं पहले खाऊंगा, मैं बता भी देता हूँ आपको डाइट मेरी क्या होगी, बस पहले मार्केट से आके आपको मिलता हूँ तुरंत। यार मैं तो आज देखा अपने पर फैट बहुत ज़्यादा जमी हुई है, कुछ ज़्यादा ही। अच्छा मेरे को एक काम करो, मेरे को पहले खाने में कुछ दे दो। दलिया अपना भाई दलिया बन रहा है, मैं बता देता हूँ आपको भाई, इस कुकर में बन रहा है मेरा दलिया, और दलिया ही खाऊंगा आज मैं, और दलिया बहुत टेस्टी होता है। सारा कुछ डाल के इसमें दलिया बनाया जा रहा है मेरा, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। तो यार मैंने आज देखा अपने आपको भाई, मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ही फैट आ गया मेरे को, इतना ज़्यादा आ गया ना इन 2-4 महीनों में ही, बहुत ही फैट आ गया यार। इसको चीरना बहुत ज़रूरी है, रनिंग आज थोड़ी अच्छी करेंगे भाई। ठीक है और अन्न भी छोड़ा हुआ है, अन्न मतलब कि आटा, सिर्फ आटा छोड़ा हुआ है, बाकी देखते हैं क्या होगा। यार बहुत ज़्यादा ही फैट आ रखा है यार, कटिंग करनी पड़ेगी। आज का तो जो था अपना काम डन हो गया है, बस अभी मेरे को जाना है मार्केट, मम्मी के साथ काम है, और अभी मैं खाऊंगा अपनी डाइट सारी की सारी, और उसके बाद आते हुए रात ही हो जाएगी, तो सोच रहा हूँ व्लॉग को समाप्त यहीं पे कर दूँ मैं, क्योंकि रात हो जाएगी फिर तो क्या कुछ फ़ायदा नहीं है। और मार्केट के व्लॉग भाई आप देखते हो ना, मेरे को पता है मेरे व्लॉग आजकल पूरे नहीं देख रहे हो बिल्कुल भी, देखो यार प्लीज़ जितना हो सकता है जितना पूरा देखो व्लॉग। यार अपनी डाइट खाते हैं, मैं खा रहा हूँ भाई दलिया ही, मेरा वेट आपको पता है मेरा वेट 10 किलो ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो कम करने के लिए मेरे को थोड़ी डाइट पे रहना पड़ेगा अपना। और उसके बाद अभी हो गया है मेरे को, अभी 10-15 दिन तो हो गए हैं मेरे को डाइटिंग पे। डाइटिंग पे क्या यार, बीच बीच में मैं खा लेता हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आज मैंने देखा ना अपने आपको यार, मैं बहुत ज़्यादा ही काम खराब हो रखा है भाई। दलिया मेरा बनने वाला है, और दलिए से पहले मैं पीऊँगा दूध बादाम वाला, ये ज़रूरी है, उसके बाद मैं खाऊँगा दलिया। और हो ना हो, अब मैंने सोच लिया मैं अपनी लाइफ में से ना योगा को मिस नहीं करूँगा, कहीं भी हूँ योगा कर सकता हूँ, और योगा है ही ऐसी चीज़, मैं कहीं भी हूँ, अगर यहाँ पे हूँ या पिंड में हूँ या कहीं गया हुआ हूँ बाहर, तो भाई योगा हर जगह हो सकती है, तो मैं कभी मिस नहीं करूँगा योगा को। और अगर रिजल्ट देखते हैं आगे आगे कैसे आएंगे इन फ्यूचर, आप भी देखते रहना क्या बनता है योगा के साथ, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल मैं ज़ीरो हूँ योगा में, अभी भी ज़ीरो हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता, अभी धीरे 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 प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी होते होते जैसा बनूंगा आपके सामने ही बनूंगा जो भी होगा, उसके बाद कुछ एक लेवल तक पहुंच गया फिर मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, बता पाऊँगा कैसा होता है, क्योंकि मुझे यार अच्छी लगी है, ये बहुत ही बेनिफिट है शरीर के लिए, तो आपको मैं इसलिए बताऊँगा। अभी मेरा दूध हो गया है डाइट में, उसके बाद अभी दलिया खाना है मुझे, दलिया खाने के बाद मेरे को जाना है मार्केट मम्मी के साथ, उसके बाद भाई आते आते आज रात हो जाएगी, मुझे पता है मार्केट में बाहर ही सारा का सारा टाइम निकल जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। तो भाई योगा अभी मतलब मेरा शरीर अभी भी स्टिफ है, लेकिन इतना पहले से थोड़ा बेटर है, जैसे ही कोई मैं पोजिशन लेता हूँ या कोई भी पोजिशन लेता हूँ तो ना मेरे को पता लगता है थोड़ा पेन होती है हड्डियों में, हड्डियों में क्या मतलब कुछ भी पोजिशन लो थोड़ा पेन होगा, क्योंकि कभी मैंने किया नहीं है, जिम ही करता था हमेशा, तो अकड़ा पड़ा है भाई शरीर, तो इसके लिए स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, पानी की तरह कि अगर गिलास में डालो उसकी शेप ले लो, मटके में डालो उसकी शेप ले लो, और थाल में डालो उसकी शेप ले लो, ऐसा बनना पड़ेगा भाई। तो चलो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, इन फ्यूचर क्या क्या दिखता है आप देखते रहना। तरक्की पक्की है घर यार दमदार।